स्वागत है आपका श्रद्धा चैनल में। आज हम देखेंगे मसाला राइस, मसाला भात जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी डिश है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें राई और जीरा डाला है, और अच्छे से जीरा होने के बाद मैंने डाला है यहाँ पे एक बड़ा प्याज, उसकी पेस्ट की है। उसी में मैंने 4-5 ये लहसुन की कलियाँ डाली है और एक आधा इंच अदरक डाला है। वो अच्छे से हमें भूनना है जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गैस हमें मीडियम टू लो हीट पे रखना है। उसी पे मैंने जो लाल मूंगफली के दाने होते हैं वो डाले हैं। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जब मसाला राइस बन के तैयार होता है तो उसमें ये बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट के लिए। और दूसरी गैस पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। यहाँ पे हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये मसाला ये इसको आप वेज पुलाव भी बोल सकते हो, मसाला वेज पुलाव। इसमें आप आपके पसंदीदा वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सारे फ्रेश और सीजनेबल वेजिटेबल्स लिए हैं। ये अच्छे से आपको देख सकते हो तेल छोड़ने लगा है, देखिए हल्का सा इसको कलर आ गया। इसमें मैंने 2 बड़े तेजपत्ते डाले हैं और एक काला फूल जिसको बोलते हैं, जो मसाले में ही मिलता है काला फूल, वो मैंने थोड़ा सा डाला है। इसको अच्छे से भून लेना है। इसी में मैंने फ्रेश मटर लिया है, हरे मटर, आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हो, और चना जो जिसको बोलते हैं फ्रेश चना, वो भी मैंने हरा चना डाला है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। इसमें लिया है मैंने एक बड़ा आलू, उसको मैंने बड़े बड़े साइज़ में चॉप करके डाला है। और अब हम डालेंगे इसमें फ्लावर, फ्लावर के मैंने थोड़े बड़े साइज़ के टुकड़े कट किए हैं। आप गाजर भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, आपको जो सब्ज़ी पसंद है, बीन्स है या कुछ भी, वो आप डाल सकते हो। इसी में हम आप सारे सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले जाएगा थोड़ा सा हल्दी, ये हमने डाला है धनिया पाउडर, ये हमने डाली है अभी लाल मिर्च पाउडर, और गरम मसाला, ये एवरेस्ट का गरम मसाला है, आप घर का भी डाल सकते हो बनाया हुआ गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, लो फ्लेम पे करना है ताकि मसाले जले ना। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये जले ना। आप कलर देख सकते हो इसको कितना अच्छा कलर आया है। ये आप कुकर में भी बना सकते हो, प्रेशर कुकर में, लेकिन मैंने यहाँ पे ये बड़े बाउल में ही बनाया है। यहाँ पे मैंने राइस अच्छे से पहले वॉश करके लिया था। यहाँ पे मैंने काली मूँछ राइस लिया है, आप बासमती भी ले सकते हो या इंद्रायणी भी ले सकते हो, या जो आपके घर में अवेलेबल है, जो आप खाते हो राइस वो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने काली मूँछ राइस लिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम गर्म पानी। गर्म पानी डालने से कलर बहुत अच्छा आता है, जो भी हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से उभर के आते हैं, उसका खुशबू अच्छे से आता है और बहुत ही अच्छे से पक जाता है जल्दी से, और एक एक दाना सेपरेट होता है। और बस इसको अच्छे से उबाल आने देंगे, ढक लेंगे। आप कलर देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। इसको बस 7 से 8 मिनट लगेंगे पकने में। इसको आप बार बार चेक कर सकते हो राइस का दाना पका है या नहीं पका है। प्रेशर कुकर में आप 2 या 3 सीटी में ये हो जाएगा, लेकिन इतना खिला खिला राइस नहीं होगा, क्योंकि मैंने बासमती नहीं यूज़ किया है, इसमें काली मिर्च यूज़ किया है, इसलिए मैंने ये बड़े भगोने में बनाया है। आप देख सकते हो इसको उबाल आना शुरू हो गया है। उबाल आने के बाद आप बार बार इसको मिक्स नहीं कर सकते, नहीं तो राइस का दाना जो है वो टूट जाता है। हमें अच्छा राइस चाहिए, राइस का दाना चाहिए, तो इसलिए आप बार बार इसको मिक्स नहीं करना है। एक बार अच्छे से इसको पकने दें, उसके बाद आप एक बार सिर्फ नमक डालने के बाद इसको आप मिक्स कर सकते हो। आप देख सकते हो इसको अच्छे से उबल आया है। मसाला राइस और कड़ी
का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। अगर आपका आपके पास सब्ज़ी नहीं है घर में बनाने के लिए और आपको कुछ अच्छा सा खाना है, तो ये बहुत कम समय में बहुत अच्छी डिश बन सकती है। और इसके साथ आप कढ़ी भी सर्व कर सकते हो। इसको हम थोड़े सा ढक लेंगे। ढकने के बाद ये देखिए, ये अब धीमी आँच पे हम पकाएंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट 90% पक गया है, देख सकते हो आप। और बस ये हमारा रेडी है। देखिए आप कितना, जो हमने सब वेजिटेबल्स डाले थे वो भी कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे भी शादी में हम खाते हैं मसाला राइस, बस सेम टू सेम वैसा ही बना है, ना ज़्यादा गीला बना है ना ज़्यादा सेपरेट बना है, एक एक दाना बहुत ही परफेक्ट बना है, देख सकते हो। ये बहुत ही क्विक एंड फास्ट रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।